केन्द्र सरकारों रेल और बयन शिल्प राष्ट्रमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोस दिनिकिया गजपति जिला गस्तरे आसी विभिन्न कार्यक्रम जोगदे और तार समीक्षा करी। राष्ट्रमंत्री श्रीमती जरदोस प्रथमे पारला खेमुंडी स्थित सर्किट हाउस जिला प्रशासन सह केन्द्र सरकार कार्यकारी होता विभिन्न योजना किभली चली तार अग्रगति संपर्क आलोचना और समीक्षा करी। एक कार्यक्रम जिलापाल श्री लिंगराज पंडा और एसपी स्वाति एस कुमार समेत जिलार विभिन्न विभाग बहु पदाधिकारी उपस्थित थे। केन्द्र राष्ट्रमंत्री श्रीमती जरदोस स्थानीय जिला बीजेपी कार्यालय को जाई सेठारे अनुष्ठित दलय जिला पदाधिकारी और कर्मी सम्मेलन में जोगदे। केन्द्र सरकार कार्यकारिता होता विभिन्न विकासमूलक योजना तृणमूल स्तर में समस्त पहुंचाइवासह संगठन को मजबूत कराइबारे सहायक होगाकू आह्वान करी। केन्द्र राष्ट्रमंत्री श्रीमती जरदोस 3,85,71,000 टंका व्यय निर्माणाधीन पारला खेमुंडी रेल स्टेशन परिदर्शन करी। सेठारे निर्माणाधीन विभिन्न कार्य बुली देखी परे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन कार्यक्रम केन्द्र रेल राष्ट्रमंत्री श्रीमती जरदोस कहते जे पारलार यह रेल स्टेशन बहु पुरातन और अति प्राचीन रेल स्टेशन जहाँकि तत्कालीन पारला महाराजा द्वारा ताहा निर्मित होता। वर्तमान तार उन्नतीकरण सह अपग्रेडेशन पाई केन्द्र सरकार पक्षर आवश्यक अर्थ मंजूर कराई निर्माणकरण प्लान प्रस्तुत हो निर्माण कार्य आगे चली। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी नेतृत्व में रेलवाई विकास क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव पालन काल में रेलवाई को एक नुआ रूप देवाई संकल्पबद्ध होती। ट्रेन जोगे समस्ते किभली विभिन्न क्षेत्र को जावासवा करें से एभली विकास मूल लक्ष्य बोली कहते। रेल प्रकल्प जमी अधिग्रहण आवश्यकता पड़ता बेले ए दिगरे राज्य सरकारों सहयोग मिलून कही। रेल राष्ट्रमंत्री श्रीमती जरदोस सहित विशाखापाटना रेल डिजनर डीआरएम श्री अनुप शतपथी बहु पदाधिकारी उपस्थित थे। स्टेशन का भी मैंने दौरा किया है। ये जो सबसे पुराना स्टेशन है गजपति स्टेशन और जो महाराज ने यहाँ तय उसका प्लान भी आपने बाहर देखा है। ज्यादातर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे ने संकल्प किए हैं कि आजादी के अमृत काल में रेलवे को हम नया रूप देंगे, क्योंकि 75 साल वाला अमृत काल वाला भारत और 100 साल के बाद वाले भारत के लिए हमने बहुत संकल्प किए हैं। वंदे भारत ट्रेन चली, 75 ट्रेन बनाने का संकल्प है। इसके साथ में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने की बात हो, पूरे देश में 90 स्टेशन को रीडेवलप करने की योजना बनाई गई है। खास करके मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ तो मल्टी मॉडल हब एक ही जगह से स्टेशन से सीधा BRTS मेट्रो और लोकल लोग वहाँ आना जाना हो सके ऐसी सुविधा के साथ में ये स्टेशन बन रहे हैं। स्टेशन के डेवलपमेंट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और हमारा पैसेंजर सर्विसेज के साथ साथ में हम लोग फ्रेट के लिए भी उसका ज़्यादा यूज़ करें, स्ट्रेंथन करें, इसके लिए सब योजना बनाई गई है। मैडम अश्विनी जी के साथ में मिलकर हम लोगों ने, आप लोगों ने आगे भी यहाँ के बारे में सब कुछ जाना है। DRM हमारे साथ है, भाई साहब ने बताया कि उनके आने के बाद में 4 स्टेशन का स्टॉपेज यहाँ पे होने की शुरुआत हो चुकी है और भी कई प्रपोजल आई है, लेकिन स्टॉपेज के बिना स्टॉपेज देने से पहले हम लोगों को इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए हमेशा लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है जहाँ राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता। और दूसरी बात होती है जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए हम लोगों को। तो ये सब समस्याओं के साथ में भी कोस्टल एरिया इतना अच्छा है उड़ीसा का, तो उसको जोड़ने के साथ में जो बड़ी फैक्ट्रियाँ है वहाँ से डायरेक्ट सामान चल जाए, सीमेंट है, आयरन है, इसके साथ में हम लोगों ने किसान रेल भी चलाई सूरत से, तो टेक्सटाइल के लिए भी ट्रेनें चली। जब कोविड का समय था तो श्रमिकों के लिए भी ट्रेन चलाई गई, रेलवे ने कभी छुट्टी नहीं ली। रेलवे परिवार बहुत बड़ा परिवार है और परिवार ने संकल्प किया है कि ये जो सबसे पुरानी हमारी रेल है उनको कैसे आगे लेके जाना है। कवच का सॉफ्टवेयर जब डेवलप हुआ तब खुद अश्विनी जी ने इसके अंदर बैठकर उसका दौरा किया, तो हमारे साइंटिस्टों ने जिस तरह से हमारे इंजीनियर्स ने जो कवच का लखेमुंडी गजपतिरु गणेश कुमार राजू रिपोर्ट कलिंग टीवी 24।